वेलकम टू द शो प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। प्रोग्राम आप देखते हैं टेक टीवी पे और दुनिया भर में आप देखते हैं हमें और अपनी राय से भी आगाह करते हैं। ट्विटर हैंडल नोट कर लीजिए anees_farooqui और ईमेल अगर आप करना चाहें anees_farooqui@gmail.com। आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात पर और सर ये वाक़यात जन्म लेते हैं सिंध पुलिस के SSP राव अनवार एक मावराए अदालत कत्ल करके नौजवान नकीबुल्ला महसूद को सड़क पे बेयार और मददगार लाश छोड़ के चले जाते हैं और उसको एक मुकाबले इनकाउंटर की शक्ल दे दी जाती है। इस तरह के वाक़यात सिंध में कोई नए नहीं हैं, इससे पहले भी हुए हैं। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ की एक मिसाल हमारे सामने है, लेकिन नकीबुल्ला महसूद के इस कत्ल को लेकर इस बेगुनाह को इस मावराए अदालत कत्ल को लेकर इसके इनकाउंटर शो करने पर एहतजाज ज़ोर पकड़ता जा रहा है और ज़ोर पकड़ते पकड़ते ये इस हद तक हो गया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तहरीक शुरू हो गई है। इस तहरीक के पीछे नौजवान हैं और नौजवानों में सबसे आगे मंजूर अहमद पश्तीन हैं जिन्होंने अब इस दुख को महसूस किया, इस दर्द को महसूस किया और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मुतालबा है कि जो पाकिस्तान का आइन ज़िंदा रहने की आपको सलामती और ज़मानत देता है उसकी पासदारी की जाए, और वो कहते हैं कि इस आइन की पासदारी का मुतालबा कोई गद्दारी नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात मंजूर अहमद पश्तीन से कराएंगे, उनकी ज़बानी सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, क्या वो मुहिब वतन हैं या वो गद्दार हैं या हमेशा की तरह हम उनको भी एक सर्टिफिकेट बांटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं, हम अपने हमें ज्वाइन कर लिया है टेलीफोन लाइन पर। हमारे साथ मंजूर अहमद पश्तीन साहब मौजूद हैं जो कि इस वक्त अपनी तहरीक के सिलसिले में शहर दर शहर सफ़र भी कर रहे हैं। मंजूर अहमद पश्तीन साहब को मेरी आवाज़ आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। मुझे मालूम है कि इस वक्त अपनी तहरीक के सिलसिले में शायद आप सफर में भी हैं। जी बिल्कुल, अभी मैं सफर में हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये बताइएगा कि आपने नकीबुल्ला महसूद की शहादत के बाद एक तहरीक खुद ब खुद जन्म ली और ये बिल्कुल ग्रास रूट से आप लोग निकल के आए, आम से लोग, पढ़े लिखे लोग जिनका कोई ऐसा वायलेंस का कोई ना कोई पास्ट रहा है। इस तहरीक के बुनियादी अगराज व मकासद, पख्तून तहफ़ मूवमेंट जो कि पहले कुछ और थी फिर उसको पख्तून तहफ़ मूवमेंट कहा गया, इसमें ऐसी क्या कशिश लोगों ने देखी कि वो आपके साथ जुड़ते चले गए? बस तहरीक तो हमारी जिंदगी है, मतलब हम जहाँ जहाँ तक कबायली इलाकों का सवाल है वो तो बिल्कुल, अगर ये तहरीक नहीं उठता कम से कम वो तकरीबन पूरे इलाका जिंदगी के आखिरी स्थान से ले रहा था, फाटा बर्बाद हो चुका है इन जंगों की वजह से। बाकी पश्तून इलाके भी इन जंग के जद में थे और यहाँ बम धमाके हो रहे थे और ऊपर बम्बारियां हो रहे थे पाकिस्तानी जेट हथियारों की और बस हर तरफ से आम आवाम का नुकसान हो रहा था और जंग में लोग इस कदर मसरूफ हो चुके थे कि किसी को पता नहीं था कि मेरे साथ साइड पे जो शहर है जो इलाका है उस पर भी वही उसका भी वही हाल है कि मेरा हाल है। तो जब हमने ये नारा लगाया सारे लोग आ गए, सबने अपनी अपनी कहानियां सुना दिए, तब पता चला कि फाटा के हर इलाके का यही हाल है और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों का भी यही हाल है। जी ये बताइएगा कि ये इतनी बड़ी तहरीक है, इतना दुख है, दर्द है, लोगों के अपने अपने प्यारे जो हैं उनके वो या तो लापता हैं या वो कत्ल कर दिए जा रहे हैं और आपकी तहरीक ज़ोर पकड़ रही है, दुनिया का मीडिया देख रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में आपको मुकम्मल ब्लैकआउट हम देखते हैं सूरत हाल के, पाकिस्तान का वो मीडिया जो कि कई सौ चैनल प्राइवेट हैं, अखबार हैं, कहीं आपको जगह नहीं मिल रही, इस मीडिया ब्लैकआउट क्यों है ये? मेरा ख्याल है कि ये जो हम हक की बात करते हैं हम अपने जिंदगी की बात करते हैं, शायद हमारे जिंदा रहने में हमारे ऊपर से जंग हटाने में किसी को मसला है या कोई इसमें इस सारे अमल में मुजरिम है जो जिसने मीडिया पर भी दबाव डाला है और बाकी कवरेज देने वाले पर भी कि वो कवरेज कर रहे हैं। आम मीडिया तो वहाँ पहुंच जाती है लेकिन कवरेज नहीं देती है, ये फिर हमारे लिए भी बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि दिग्गज इलाकों में जो भी बात हो धरने और एहतजाज हो तो उसको कवरेज दिया जाता है लेकिन हमको नहीं दिया जाता है और हम तो और भी कुछ नहीं कर रहे, हम तो जिंदगी मांग रहे हैं कि हमें मारा ना जाए, हमें लापता ना किया जाए,
अगर हमने से किसी ने जुर्म किया है तो उसे अदालत भेज दिया जाए। बहुत सारे बेगुनाह औरतों और बच्चों पर जिनके हमारे साथ रिकॉर्ड थे उन पर बमबारियां करके चेकियानों से शहीद कर दिए गए। हम तो जिंदगी मांग रहे हैं लेकिन खैर वो कवरेज नहीं देते हैं, बस न दे लेकिन जिंदगी दे दे, हमारे मुतालबात हल हो जाए ताकि यहाँ के लोग जितने भी बस हो गए वो हो गया, आइंदा तो सिक्योर हो जाए, आइंदा तो वो महफूज हो जाए, आइंदा तो वो महफूज हो जाए। और आप तो सिर्फ जिंदगी मांग रहे हैं, आप वो जिंदगी मांग रहे हैं कि जिसकी पाकिस्तान का आइन आपको तहफ़ देता है और मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए आपको टाइम भी दे रहे हैं और आपकी बात और पैगाम को दुनिया भर तक पहुंचाने की अपनी सी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपने मीडिया ब्लैक आउट से घबराए नहीं और फिर आपने सहारा लिया सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया से ये तहरीक, सोशल मीडिया ने बड़े बड़े इनकलाबात जन्म लिए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में मैं एक और इनकलाब पैदा होते हुए और जन्म लेते हुए देख रहा हूँ। इसके क्या असरात होंगे अगर हमारे हुक्काम बाला अरबाब इख्तियार ने होश के नाखून नहीं लिए तो इसके नताइज बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आपकी और आपकी टीम ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत खूब किया। हम तो खुद 2013-14 से ये काम कर रहे हैं इसके लिए। सोशल मीडिया हमने 2016 में हमने तकरीबन प्रॉपरली सोशल मीडिया को यूज करना शुरू कर दिया और अभी हमें पता चला कि सोशल मीडिया ही वाहिद रास्ता है कि हम अपना आवाज दुनिया के मतलब पाकिस्तान से बाहर जो इंसान रह रहे हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इंसान इंसानियत की खातिर जहां भी जुल्म हो मजलूम का साथ दे दे ताकि किसी की जिंदगी जाया ना हो, ताकि इंसान आराम से और सुकून से जिंदगी गुजार सके। और इंशाल्लाह हम अभी भी सोशल मीडिया पर ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया तो कवरेज बिल्कुल नहीं दे रही है, वो आ जाते वीडियो वगैरह बना रहे थे। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार कवरेज लिया, हम बहुत हैरान हुए जब अशरफ गनी ने ट्वीट किया तो तब उन्होंने कवरेज देना शुरू किया कि इसके पीछे तो कोई है, यानी तनकीद के लिए उन्होंने कवरेज दिया है, लेकिन हमारे हक हमारे हमारे मुतालबात के लिए कवरेज नहीं दिया है। जी ये बड़ी एक पाकिस्तान में रिवायत है और हमने देखा है अक्सर कि महरूम तबका, मजलूम तबका, जो कि मरात याफ्ता नहीं है, एक आम पाकिस्तानी जब कभी भी अपने हक की आवाज़ उठाता है, बुलंद करता है, कहता है कि मैं हमारा ये हक है, ये हमको दिया जाए, जो पाकिस्तान का आइन देता है, कायदे आज़म आपको देकर गए थे ये हक, ऐसे मुहिब्बे वतन लोगों को फौरी तौर पर गद्दार करार दे दिया जाता है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, या फिर उनको कहा जाता है कि ये रॉ के एजेंट हैं, ये NDS के एजेंट्स हैं। और हालिया दिनों में कुछ इस तरह की के इल्ज़ाम मंजूर अहमद पश्तीन पे भी हमने देखे कि लगाए जाना शुरू कर दिए गए हैं कि आप भी रॉ के एजेंट हैं, तो क्या आप रॉ के एजेंट हैं? जी बिल्कुल, ये तहरीक पहले तो ये बहुत ही वाजे बात है लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। 2014 से हम ये स्टूडेंट एहतजाज कर रहे थे, दिसंबर 2017 में हमने फैसला किया कि हमने इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं। फिर बाद में जब शहीद नकीबुल्ला मसूद का वाकया होता है तो उसके बाद तो हमारे तहरीक को और भी तकवीत मिलती है। अभी जब हमने बात की, थोड़ा इज्जत मांगा रियासत से, हमने जिंदगी मांग लिया तो उन्होंने कहा कि ये रहा और NDS के एजेंट है। मुझे अभी भी रहा NDS और दीगर इदारों के एब्रिविएशन का भी पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दाव लगा दिए। मैं तो सीधा साधा, हम तो सीधा साधा लोग हैं, मैं सोच रहा था कि हमको रहा NDS के एजेंट करार दे, यानी जो लोग हक मांग रहे हैं और अमन मांग रहे हैं वो रहा और NDS के एजेंट है, तो फिर ISI के एजेंट क्या कर रहे हैं? फिर तो राव और NDS वाले यहाँ अमन मांग रहे हैं, ये खुद वो तासुर दे रहे हैं, पाकिस्तान के जो इदारे वाले हैं ये खुद ये तासुर दे रहे हैं कि राव NDS वाले यहाँ अमन के पीछे लगे हुए अमन मांग रहे हैं, और फिर तो उनके ऊपर सवालिया निशान है कि वो खुद क्या मांग रहे हैं। फिर हम तो किसी के हमें तो पता भी नहीं है, हम तो खुद जिंदगी से इतने सख्त, वहाँ जंग जारी है, वहाँ बहुत ज्यादा हमें, मुझे खुद भी टॉर्चर किया है, मुझे खुद भी पाकिस्तानी आर्मी ने जेल में डाला है, मुझे खुद भी उन्होंने टॉर्चर किया, हमें जिंदगी नहीं मिल रही थी, हमें फर्क महसूस नहीं हो रहा था कि हम जिंदा है कि मुर्दा है, हमारे सामने बच्चों की लाश है, हमने देखे टुकड़े टुकड़े, तो हम तो जिंदगी मांग रहे हैं। इसके ऊपर अगर जो भी लोग टैग लगाना चाहते लगा लें,
इससे पहले भी हमारे मशरान जब हमारे लिए बात करते थे तो उन पर टैग लगा दिया जाता था कि ये जासूस है और फिर ना मालूम अफराद उसको शूट करते थे। 1400 हमारे मशरान को इसी वजह से ये लेबल लगा के उसको शूट कर दिया है। जी इस ये रॉक एजेंट जो हैं जिनको एब्रीविएशन मुखफ़ भी नहीं पता कि रॉ का क्या मतलब है या एनडीएस का क्या मतलब है और हम बड़े आराम से उन पर टैग लगा देते हैं। मंजूर आपकी जो तहरीक है ये इसमें आप अकेले नहीं हैं और इस वक्त पाकिस्तान की वो तमाम महरूम तबकात मज़लूम जो इस प्रोसेस से सालों से गुजर रहे हैं वो भी आपके साथ हैं और हमने देखा कि हम ख्याल लोगों ने भी आपकी हिमायत की। अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने भी इस बात की मजम्मत की कि आपके ख़िलाफ़ FIR कट रही है। ये लोग आपके साथ हैं, ये हम ख्याल लोगों की हिमायत आपको शामिल है, क्या कहेंगे इस बारे में? जितने भी इंसानी हमदर्दी के खातिर बयान दिए हैं वो इंसानियत की खातिर बहुत अच्छी बात है। और ये जो यहाँ मतलब एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी ये पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है, मैंने पहले बता दिया, हम तो गांव के लोग हैं, हमने सोचा कि ये क्या है, मुल्कों के आर्मी होता है और यहाँ आर्मी का मुल्क है तो यहाँ तकरीबन वो सब कुछ अपने कंट्रोल में लेते हैं और फिर वो भी सिनाजोरी के जरिए। फिर इस तरह तो बाकी भी इंसान है वो भी मतलब अपनी जिंदगी का जो हक है वो मांगेंगे। बाकी जो सियासी यहाँ दंगल बना हुआ है उसमें तो हमारा तजर्बा नहीं है, लेकिन फाटा के हवाले से हम क्लियरली कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी फौज और इदारे ने जुल्म भी किया हुआ है और उसके जो मतलब मावराए अदालत कत्ल हुए हैं वहाँ लोगों को लापता किए गए। हम पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए ये मांगेंगे और अगर ये एंटी स्टेट बातें हैं फिर तो पाकिस्तान का आइन खुद एंटी स्टेट है, क्योंकि ये पाकिस्तान की आइन हमें इस तरह की बातों की इजाजत देता है कि आप लोग मांगे इस तरह की। जी आप बार बार जिक्र करते हैं पाकिस्तान के आइन का और पाकिस्तान के आइन में ना तो मावराए अदालत कत्ल की इजाज़त है और ना ही मावराए अदालत कत्ल करने वाले राव अनवार जैसों को पनाह देने का कहीं जिक्र है, क्या कहिएगा? तो यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो हमारा मतलब है कि आईन तो कहते हैं कि मावराए अदालत को कत्ल कोई न करे, जो करता है वो मुजरिम है। और अभी यहाँ राव अनवर से लेकर यहाँ बहुत सारे मेजर सूबेदार तक ये लोग दंदनाटे फिर रहे हैं और मजीद कर रहे हैं। अभी राव अनवर के पीछे ये देखो 8 सालों से ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि 8 सालों में उन्होंने 444 बंदों को मावराए अदालत मारा है, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि 8 सालों में वो 444 बंदों को मार रहा है और पाकिस्तानी इदारों को पता भी ना हो। बिल्कुल उनको पता था, लेकिन खामखा ये इस तरह माहौल बनाया गया है कि बस आपस में ये लोग लिंक बना लेते हैं और फिर लोगों का अगवा करना, उस पर पैसे लेना, उसको कत्ल करना, ये यहाँ का बिल्कुल कारोबार बन चुका है। ये वाकई एक कारोबार है मंजूर और बड़े अफसोसनाक बात है कि लोगों को अगवा करके फिर रैंसम की रकम ली जाती है, उसको बांटा जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये वो लोग हैं जो कि रिटायरमेंट पे जिनको किनालों सैकड़ों किनालों और हज़ारों और अरबों रुपए की जो है पैकेजेस दे के गले में हार फूल डाल के रुख्सत किया जाता है और मज़लूम मज़लूम ही है पाकिस्तान का, वो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, महरूम महरूम ही है। आप समझते हैं कि वक्त आ गया है मंजूर के तमाम मज़लूम महरूम तबकात उठ खड़े हों और एक जिद्दोजहद करें? बिल्कुल यही वक्त वो है कि लोग बदमाशों से अपने आप को आजाद के आईन के तहत जिंदगी गुजारने के लिए राह हमवार करें। इसके लिए हम कहते हैं कि अगर कराची में किसी और बरादरी के साथ ये जुल्म हो रहा है तो उसको चाहिए कि वो हमारे साथ रब्ता करे। गिलगित में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, या पंजाब में हो रहा है, या बलूचिस्तान में हो रहा है, जिसके साथ जुल्म हुआ है वो आगे आए और अपने जुल्म का हिसाब पूछे। अभी तो फिर ये कौमी तहरीक बनेगा और फिर बहुत ही मजबूत और अच्छा जवाब होगा और हल भी इसका फिर आसान होगा। जी लेकिन इस तहरीक में आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, आपके लिए FIR काटी जा रही है, आपको
دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے آپ کے لیے، مختلف حربے آزمائے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو دھمکایا جاتا ہے، آپ کے ساتھیوں کو روکا جاتا ہے، یہ سارے آپ کے راستے کی مشکلات ہیں، اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے؟ حیران ہوں میں کہ ہم نے یعنی لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، اغوا کرنا، مورائے عدالت مارنا، یہ تو دہشت گردی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ دہشت گردی نہ ہو، اس طرح کی بات نہ ہو، یعنی ہم نے امن مانگا اور دہشت گردی روکنے کی بات کی، تو ہمیں اوپر سے ہمیں دہشت گرد ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہم نے تو نہ کسی کو ڈرایا ہے، نہ دھمکایا ہے، نہ کسی کو اغوا کیا ہے، نہ کسی کو مورائے عدالت مارا ہے۔ ہم نے جس کو مارا ہے ہم تو اس کے خلاف ہے، اور یہ اوپر سے ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور تو پتہ نہیں کیسے انسان ہیں وہ، کس طرح اس طرح کی باتیں سوچ سکتے ہیں۔ ہم تو ایران میں بہت تیز لوگ ہیں یہ پروپیگنڈا کرنے میں۔ جی جی، اور یہ بتائیے گا کہ چونکہ اب تحریک آپ کی مومنٹم پکڑ چکی ہے، لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے ہیں، فیوچر کی کیا آپ کی پلاننگ ہے، کیا منصوبہ بندی ہے آنے والے دنوں میں، کہاں کہاں جلسے جلوس اور یہ اس طرح کے آپ کے پروسیشنز ہوں گے؟ آئندہ انشاء اللہ اتوار کو پشاور میں جلسہ ہوگا، اور اس سے پہلے بنو ڈی خاص، لکی مروت، کرک، کوہاٹ، درا دلکل، چار سدا، مردان، سوابی میں ہمارے جلسے ہوں گے، اور پھر پشاور میں جلسہ ہوگا، اس کے بعد میں جلسے ہوں گے، پھر کراچی میں، اور پھر پاٹا وزیرستان کے اندر جلسے کریں گے۔ لوگ جس طرح سے پشتون تحفظ مومنٹ کی طرف آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں، تو یہ ظاہری بات ہے، یہ کوئی بھی نہ چھپائے، کیونکہ ان کے ویلکم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کی اصل ترجمانی اور لوگ یہ بات چاہتے ہیں۔ جی جی بالکل چاہتے ہیں، اور آپ نے بات کی رسپانس کی، اور جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، اور ہجوم اور مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے، جلسہ آپ کا بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، نعرے، فلک شگاف نعرے لگ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اچھی بات دیکھی پہلی مرتبہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں، کہ آپ کی اس تحریک میں خواتین بھی ہراول دستے کا کام کر رہی ہیں، بہت زبردست آپ کو رسپانس دیا ہے خواتین نے، اور ہر جلسے میں ہم نے دیکھا ہے وہ موجود ہیں، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی اس قوم کی، اپنی اس تحریک کی، مظلوموں کے لیے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کا ہاتھ بٹایا ہے، بڑا زبردست رسپانس مل رہا ہے آپ کو۔ تو زبردست، ہم چاہتے ہیں خواتین مثبت کردار ادا کریں معاشرے کے اسلام میں، معاشرے کے لیے خواتین کا ایک مثبت کردار ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور بہت زبردست رسپانس ملا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ بہت ہی مثبت کردار ہوگا۔ جی، اب اسلام آباد میں جب یہ دھرنا آپ لوگوں نے دیا تھا نقیب اللہ محسود کے لیے، اور اس میں وہاں پہ بڑی گرما گرم تقریر ہوئیں، اور پوری دنیا میں ایک نعرہ گونج کے سامنے آیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو نعرہ ہے یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ عوام کا نعرہ ہے، یہ عوام کا نعرہ ہے، یہ عوام کا نعرہ ہے۔ ناظرین، واقعی یہ وہ نعرہ ہے جو کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اپنے گھروں سے اٹھا کر لے کے جانے والے اس کے ذمہ دار کون ہیں، ان کو لاپتہ کرنے والے اس کے ذمہ دار کون ہیں، پھر ان سے رینسم لینے والے اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور ان کو مار کر گلی میں پھینک دینے والے اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی امیج کے لیے، دنیا بھر میں پاکستان جن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اس کے لیے بہت بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے باز رہا جائے تو بہتر ہے۔ اور ہم دعا گو ہیں منظور پشتین جیسے نوجوانوں کے جو کہ یہ بیڑا اٹھا کے آگے چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو محفوظ رکھے۔ منظور، آپ بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں نہیں ہے پرواہ، ہم ویسے بھی زندہ ہوئے ہوتے ہوئے مر چکے تھے، ہم تو ابھی سکل ہو رہے ہیں امن کے لیے، یہ ہم بہت زبردست جینا ہے ہمارا، کیا کریں گے جب عوام کی تحفظ کی بات کی ہے تو اپنی تحفظ کس کیوں خیال رکھیں۔
اپنے تحفظ کا کیا خیال رکھیں؟ آپ نے اپنی جان لگا دی ہے قوم کی خاطر اور تحریک کو لے کے آگے چل پڑے ہیں. ناظرین, منظور احمد پشتین جیسے نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں, یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. ان کے حقوق اور ان کے مطالبات کو مانا جائے, سنا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. کہیں کوئی ایسا غیر آئینی مطالبہ اگر ہے اسے نہ مانیں, لیکن اگر کوئی آئین کے تحت رہتے ہوئے, پاکستان کے آئین کے تحت رہتے ہوئے, وہ جو کہ قائد اعظم کے پاکستان میں ان کو ضمانت دی گئی ہے, اگر یہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں اصل محب وطن ہے کون؟ وچ سائڈ آف دا فینس آر وی؟ ہم ملک کے دشمن ہیں یا ملک کس سے محبت کرنے والی؟ یہ ان نوجوانوں کو دیکھیں, یہ اپنے اسکولوں کالجوں سے پڑھ کے کیا انہوں نے اس لیے یہ سب کچھ پڑھا تھا کہ وہ ایک تحریک چلائیں گے اور پھر ان پہ غداری لگائی جائے گی, ان کو کبھی اس کا ایجنٹ اور کبھی اس کا ایجنٹ کہا جائے گا؟ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح سے زیب دیتا ہے کسی بھی ریاست کو, اور اب ریاست کو ہوش کے ناخن لینے کا وقت آ گیا ہے. منظور, آخر میں ہمارے ناظرین کو اور جو دنیا بھر میں آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی تحریک کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے؟ آپ پلیز گو ہیڈ. جی, پورے دنیا کے انسانوں کو, اسپیشل نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ امن کے لیے, وہ دنیا کے کسی کونے میں امن کی خاطر اپنا کردار ادا کرے. وہ جہاں بھی ہو ہر انسان کا غم اپنا غم سمجھے, ہر انسان پر ظلم اپنے اوپر ظلم سمجھے. جب انسانیت کا یہی جذبہ ہر طرف سے دنیا کے ہر کونے میں بڑھ جائے گا تو پھر ہر طرف امن خود بخود ہو جائے گا. یہ نفرتیں جس بنیاد پر ہوں گے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, اور انسانیت کا یہ ایک گہوارہ بن جائے گا یہ دنیا. اور دوسری بات, ہر دنیا کے ہر کونے میں نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک پر پریشر ڈالے کہ بالکل اپنی خارجہ پالیسی اسی طرح رکھیں کہ اپنے مفادات کے مطابق ہو, لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھے کہ بالکل پالیسی اپنے مفادات کی خاطر ہو, لیکن ایسی ہو پالیسی کہ اس میں کسی انسانی قتل کا منصوبہ نہ ہو, جس میں کسی انسان کو پر ظلم کرنا شامل نہ ہو. اس طرح خارجہ پالیسی چاہیے, اس طرح خارجہ پالیسی نہیں کہ اس میں مفادات تو جڑے ہو, مفادات تو ہو لیکن انسان پر ظلم بھی ساتھ شامل ہو. یہ اگر پورے دنیا کے نوجوان اس پر کوشش کریں تو بہت ہی بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. کیا کہا جا سکتا ہے, یہ جو ملک کے حالات ہیں, پہلے سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اور پورے پاکستان کی عوام کو یہ کہا گیا کہ یہ غدار ہیں, محب وطن نہیں ہیں, راک ایجنٹ ہیں, لوگوں نے مان لی اس بات کو. لیکن آج جب نقیب اللہ محسود کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری پشتون قوم ایک آواز ہو کر اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, تو آہستہ آہستہ ان راز سے پردہ اٹھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, کیا چاہتے ہیں. یہ اس سوال کا جواب آج تک کوئی بھی تجزیہ کار نہیں دے سکا کہ ہم اپنے ہی ملک کے لوگوں کو مار کر, کاٹ کر, لاپتہ کر کے کیا چاہتے ہیں. کون سی دنیا میں, کون سی ڈیموکریسی میں یہ مسئلہ حل ہوا ہو, اس طرح سے حل ہوا ہو, یہ ہم سب کے سوچنے کا وقت ہے. یہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو. ناظرین, اگلے ہفتے پھر آئیں گے کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.